एवरीबडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी के लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ हमारी ऑफिशियल यूट्यूब पे लॉन्च की है, एंड दिस इज़ पार्ट 10 ऑफ दैट सीरीज़ एंड आई एम उत्कर्ष। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हमारे बैचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली हमने अन एकेडमी पे मिशन CAPF असिस्टेंट कमांडर 2021 नाम के एक बैच लॉन्च किए। दिस इज़ 8 मंथ्स बैच। यहाँ पे हमारे वेलनोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडर देव गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडर प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेलनोन ट्यूटर्स है। इसका टाइम पीरियड 18 जून-31 जुलाई। उसी के साथ पैरेलली हमने अन एकेडमी पे मिशन IBACIO 2021 नाम के एक बैच और लॉन्च किए। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। एट द सेम टाइम हमारी एक और बैच आ रही है जिसका नाम है टारगेट CAPF 2021। ये बैच में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों का प्रिपरेशन करके मिलेगा। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। तो ये बैच जो है हमारी, ये 1 फेब से स्टार्ट होगी टिल 31 जुलाई। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप अन एकेडमी ज्वाइन करते हो तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो उस टाइम अगर आप प्रशांत YT10 ये जो कूपन कोड है, या फिर इसी को हम रेफरल कोड भी बोल सकते हैं, तो ये अगर वहाँ पे आप यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आप फी पे करोगे वहाँ पे, उसमें आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो ये जो कूपन कोड या फिर रेफरल कोड है, ये टारगेट CAPF बैच के लिए भी अलाउड है या फिर वैलिड है, ये मिशन IBACIO के लिए भी वैलिड है, और ये CAPF AC 2021 की जो ऑलरेडी बैच चालू है उसके लिए भी वैलिड है। ओके, तो ये तीनों बैचेस के लिए वैलिड है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनकी शुरुआत की थी, और उसमें सबसे पहले हम प्रेसिडेंट देख रहे थे। ओके, तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। अभी उसके आगे का जो पार्ट है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो है फ्रॉम द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे निकाला जाता है, एंड द वैकेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट की जो सीट होती है या फिर प्रेसिडेंट की जो जगह होती है वो वैकेट खाली कैसे हो जाती है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफिशियली प्रेसिडेंशियल ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद 5 ईयर्स के लिए उनकी टोटल टर्म होती है। तब तक उनको जनरली कोई निकाल नहीं सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस। ओके, हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग रिजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये टाइम में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते वो जनरली वाइस प्रेसिडेंट को उनके रिजिग्नेशन दे देते हैं। इससे पहले हमने देखा था ड्यूरिंग इलेक्शन क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, और एट द सेम टाइम जो ओथ होती है प्रेसिडेंट की, तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं, या फिर वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देते हैं। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो दिस इज़ द ट्रिकी पोर्शन। फर्दर ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, देन द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट के 5 साल खत्म हो गए बट स्टिल कोई कैपेबल सक्सेसर नहीं मिल रहा है प्रेसिडेंट को, तो क्या हो सकता है, इन दैट केस बियॉन्ड 5 ईयर्स जो ऑलरेडी सर्विंग प्रेसिडेंट है वो और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सो दिस वॉज अबाउट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी देखते हैं व्हाट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी यहाँ पे इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को निकालने की प्रोसेस तो दी है, बट
कैसे या फिर कौन से चार्जेस के अंडर निकाला जा सकता है प्रेसिडेंट को, तो वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने, जैसे व्हाट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली मेंशन ही नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो ये बहुत बड़ा वेग कंसेप्ट होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सिर्फ इसी बेसिस पे उनकी इम्पीचमेंट जो है वो हो सकती है या फिर उनको उनके पोस्ट से निकाला जा सकता है। ओके, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का पूरा सेंटेंस है, तो इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा वेग कंसेप्चुअल डाटा है, यहाँ पे कोई भी डिफाइंड या फिर क्लियर इमेज नहीं आएगी। ओके, देन द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये सबको पता है देर आर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। तो ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है ये किसी भी हाउस पे आइदर लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है या फिर राज्यसभा में भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि जिस हाउस में आइदर लोकसभा और राज्यसभा जो भी हाउस ये चार्जेस लगाएगा, तो वहाँ के 1/4 मेंबर जो है यानी कि 25% ऑफ द मेंबर, तो उनकी साइन ये चार्जेस पे होनी चाहिए। दैट फ्रेम द चार्जेस एंड 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। और जैसे ही ये चार्जेस और वो साइन डॉक्यूमेंट उस हाउस में टेबल किया जाता है या फिर उसको वहाँ पे पास किया जाता है या फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना चालू कर देते, तो उसके बाद इमिडिएटली जो प्रेसिडेंट होंगे सर्विंग प्रेसिडेंट उनको 14 डे का नोटिस दिया जाता है कि आप पे ऐसी इम्पीचमेंट की कार्रवाई होने वाली है। ओके, तो फिर उसके बाद वो आइदर आगे का ट्रैक तय कर सकते हैं या फिर अगर उनको इन मिड टाइम जो भी उनके पास 14 डेज का टाइम है वहाँ पे वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इस चीज़ के लिए ये 14 डेज का टाइम दिया गया है। आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इट इज़ सेंड टू अदर हाउस, यानी कि अभी हमने जो देखा कि जिस हाउस में चार्जेस लगाए जाएंगे तो वहाँ के 1/4 मेंबर जो है उनके सिग्नेचर्स वो चार्जेस पे होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए। और उसके बाद जब वो चार्जेस सस्टेन होंगे वहाँ पे, तो उसी हाउस में 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो मेजॉरिटी से ये जो चार्जेस होंगे इनको पास किया जाना चाहिए। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये एक ही हाउस में होंगी, आइदर वो फिर राज्यसभा होगा या फिर लोकसभा होगा। और जब 2/3 मेजॉरिटी से ये चार्जेस पास हो जाते हैं, तो फिर बाद में जो सेकंड हाउस होगा वो भी आइदर राज्यसभा होगा या फिर लोकसभा, तो उस सेकंड हाउस में इन चार्जेस को भेजा जा सकता है। ओके, उसके बाद जब वो अदर हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। ओके, यानी कि ये जो सेकंड हाउस होगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी कि वो चार्जेस सही है या गलत है उनकी इंक्वायरी करेगा। यानी कि क्या, जो फर्स्ट हाउस होगा जहाँ पे एक्चुअल चार्जेस लगेंगे वो बेसिकली वहाँ पे इंक्वायरी नहीं करेगा, वो चार्जेस लगा के वहाँ पे पास होके दूसरे हाउस में जाएंगे, और दूसरे हाउस में जाने के बाद देयर विल बी अ इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस वो सही है या गलत है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब ये चार्जेस पार्लियामेंट में या फिर किसी भी हाउस में लगाए जाते हैं या फिर पास किए जाते हैं, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो है वो उस पार्लियामेंट में या फिर उस हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, उनको वो अलाउ किया गया है। और एट द सेम टाइम उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वहाँ पे आके बोल भी सकता है। ओके, देन इफ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासिस द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिजोल्यूशन इज पास। हो यानी कि क्या, जो सेकंड हाउस है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के सामने आता है या फिर वो चार्जेस एक्चुअली सस्टेन होते हैं वहाँ पे, तो फिर सेकंड हाउस में भी जो 2/3 मेजॉरिटी है वो 2/3 मेजॉरिटी से ये जो चार्जेस है ये पास होने चाहिए। इससे पहले हमने देखा था जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे भी 2/3 मेजॉरिटी से इन चार्जेस को पास होना था, और यहाँ पे भी जो सेकंड हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो चार्जेस सस्टेन होते तो उनको भी 2/3 मेजॉरिटी से इस डॉक्यूमेंट को या फिर ये जो चार्जशीट है उसको पास करना पड़ेगा। ओके,
तो ये हो गया इम्पीचमेंट के बारे में। अभी देखेंगे वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि क्या जो भी प्रेसिडेंट का ऑफिस है तो वो कब खाली होता है, जिसको कहा जाता है वैकेंट। अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि देयर आर वेरियस मल्टीपल वेज जिसके थ्रू जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो खाली हो सकता है। सबसे पहले ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि हमने अभी देखा था प्रेसिडेंट का जो भी टेन्योर होता है सर्विंग का वो होता है 5 ईयर्स। अगर 5 साल हो जाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है और वो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेंट होता है। उसी के साथ बाय हिज रिजिग्नेशन, अगर 5 साल के बीच में अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ही इज़ नॉट वेल कैपेबल टू कैरी ऑन दिस ड्यूटी तो बाद में रिज़ाइन कर सकते हैं। और रिजिग्नेशन अभी हमने देखा था किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। देन ऑन हिज रिमूवल बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जैसे कि हमने अभी देखा उनको ज़बरदस्ती करना और वो भी दोनों हाउस में वो जो इम्पीचमेंट के चार्जेस है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना कंपलसरी है, उसी के बाद वो इम्पीचमेंट के थ्रू निकाले जा सकते हैं। देन बाय हिज डेथ, अभी ये जो चीज़ है ये सडन आती है, किसी को प्रीवियस आइडिया नहीं होता, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी इमिडिएटली जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वो वैकेट हो सकता है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड, यानी कि क्या वो बेसिकली डिसक्वालीफाई हो जाने चाहिए या फिर वो जो इलेक्शन लड़े थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड करना चाहिए, यानी कि कैंसिल करना चाहिए। मेनली ये चीज़ कब होती है, जब जनरली लोगों को लगता है या फिर कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि देयर वॉज अ सम काइंड ऑफ फ्रॉड, तो उस टाइम पे जो इलेक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन कम्प्लीटली स्क्वैश करती है या फिर कैंसिल कर देती है। ओके, तो उन्हें उसी चीज़ को हम कहते हैं वॉइड। तो ये जो अदरवाइज वाला लास्ट सेक्शन है इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, सो सम पॉइंट्स आर गिवन हियर। ओके, वो आइदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या फिर वो इलेक्शन कोई वहाँ पे वॉइड करार दिया जा सकता है या फिर जो इलेक्शन थे उनको कैंसिल किया जा सकता है इंक्लूडिंग देयर रिजल्ट्स। उसके बाद व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, यानी कि जब 5 साल के बाद जो प्रेसिडेंट की जो टेन्योर होगा वो जब एक्सपायर होगा तो एक्चुअली ये टर्म एक्सपायर होने से पहले, यानी कि 5 साल के पहले 4 साल तो ठीक है बट इसमें से जो लास्ट वाला 1 साल होगा उसी 1 साल में बेसिकली ये जो इलेक्शन होंगे फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कन्वेंशन है। और मेनली इसमें अगर पर्टिकुलर देखेंगे तो बिफोर 6 मंथ जो भी प्रेसिडेंट के लास्ट ईयर के जो लास्ट वाले 6 मंथ है उनके पहले ही एक्चुअल वहाँ पे नए प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने चाहिए। इफ़ द ऑफिस फॉल वैकेंट बाय रिजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदरवाइज देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। अभी जो हमने देखा था 6 मंथ का क्राइटेरिया तो वो कहाँ पे लगता है, वो जो नॉर्मल टर्म एक्सपायरेशन से जो वैकेंसी आती है वहाँ पे नहीं लगता है, वो कहाँ पे लगता है, वो है रिजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदरवाइज, यानी कि लास्ट वाले जो हमने अभी क्राइटेरियाज देखे थे तो उनमें से अगर कुछ होगा तो वहाँ पे फिर ये जो 6 मंथ का क्राइटेरिया है वो लग सकता है। अदरवाइज जो टर्म एक्सपायरी होती है वहाँ पे बेसिकली 5 ईयर के पहले वो लेना पड़ता है। ओके, देन व्हेन अ वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रिजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट अल्टिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाइस प्रेसिडेंट कब एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है, तो ड्यूरिंग हिज रिजिग्नेशन, ड्यूरिंग हिज रिमूवल, ड्यूरिंग हिज डेथ और अदरवाइज। अभी ये यहाँ पे मेनली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के बारे में, जब प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन देते हैं रिमूव उनको किया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट, उनकी डेथ हो जाती है या फिर अदरवाइज, यानी कि इलेक्शन वॉइड होना वगैरह, तो ऐसी कंडीशंस में वीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट वो टेक ओवर कर लेते हैं जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उसको। ओके, देन फर्दर
व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू अब्सेंस इलनेस और एनी अदर कॉज द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अनटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ऑफिस। यानी कि टेम्पररी पीरियड के लिए अगर कोई प्रेसिडेंट वहाँ पे अब्सेंट है उनके ऑफिस में, या फिर वो इल हो गए यानी कि वो बीमार है, और एनी अदर कॉज अगर है वहाँ पे, तो ऐसे टाइम पे टेम्पररी पीरियड के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो बेसिकली प्रेसिडेंट का ऑफिस वहाँ पे हैंडल करते हैं। ओके, इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, यानी कि वीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट उनका भी ऑफिस वैकेंट है, वहाँ पे भी अगर कोई नहीं है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीजीआई है वो, और इफ़ हिज ऑफिस ऑल्सो वैकेंट, यानी कि सीजीआई भी उस टाइम पे अगर कोई नहीं, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अवेलेबल, तो वो जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा उसको एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वहाँ पे बिठाया जाएगा। ओके, ही विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो इतने माइन्यूट लेवल तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट के जो भी ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जिनको हम कहते हैं, तो इन ऑफिसेस का केयर इतने माइन्यूट लेवल तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ओके, दैट्स वाई इसे यहाँ पे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एज अ लिविंग पर्सन माइन्यूट लेवल तक सोचते हैं, दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ओके, देन अभी देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उनके अलग अलग पावर्स है, उनके अलग अलग रोल्स है, उनके अलग अलग फंक्शंस है, तो वो कौन से? बेसिकली द पावर्स इंजॉयड एंड फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड्स या फिर हेडिंग्स। ओके, सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि अभी जो हमने स्टार्ट किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव से, हमने वो स्टार्ट किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि क्या, जो सेंट्रल लेवल की लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बॉडी है, या फिर सेंट्रल लेवल की जो रूल और रेगुलेशन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, तो बेसिकली उनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ऐसे कौन से पावर्स है जो बेसिकली प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं? उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि ऐसे कौन से पावर्स है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकता है, फिर रूल बना सकता है, उनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, प्रेसिडेंट के पास ऐसे कौन से पावर्स है जिससे वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। ओके, उसके बाद जुडिशियल पावर, जैसे पार्डनिंग हो गया, या फिर प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करते हैं किसको फांसी होनी चाहिए किसको नहीं होनी चाहिए, वैसे वाले। उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर, जैसे कि सभी जानते हैं जो देश का जो भी वर्किंग होता है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव वर्किंग, तो वो होता है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और उनकी भी वहाँ पे साइन होती है, तो इवन डिप्लोमेटिक जो भी वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस रहेंगे वगैरह, तो वो सब भले कोई भी करे, इवन पीएम भी करेंगे, बट वो करेंगे ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, वहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम आता है। मिलिट्री पावर, जनरली प्रेसिडेंट को कहा जाता है ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल थ्री विंग्स ऑफ द मिलिट्री, जो भी इंडिया में आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स है उनके वो सुप्रीम लीडर है या फिर सुप्रीम कमांडर है। ओके, जिनको हम कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हैं। देन प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स है, इन केस कोई स्टेट या फिर इन केस पूरे कंट्री में अगर अनरेस्ट हो जाता है या फिर पॉलिटिकल स्पेशली डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है नेशन का, जिसको जनरली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, यानी कि स्टेट्स और सेंटर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रेसिडेंट यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो सेंटर होगा उसी के पास सारी पावर वो खींच के ला सकते हैं। ओके, उस टाइम स्टेट के पास ज़्यादा सही नहीं होता है, स्टेट के पास उनके पावर एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ज़्यादा रास्ता नहीं होता है। अभी देखते हैं उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो हमने लिस्ट देखी थी उसमें की एग्जीक्यूटिव पावर्स। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो है, सबसे पहले ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन बाय हिज नेम, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। ही कैन टेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। ओके, देन ही कैन मेक द रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर अलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, उनमें तो उनमें कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सब कुछ स्मूथ होना चाहिए।
ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो है वो खुद पीएम को अपॉइंट करते हैं, पीएम के एडवाइस से अदर जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंट करते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ओके, देन ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो होता है, ही इज़ अ काइंड ऑफ लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द लॉयर ऑफ द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, एंड डिटरमाइंस हिज रिन्यूमरेशन। उनको कितनी सैलरी होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल को, वो खुद प्रेसिडेंट डिसाइड करते। देन द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, उसी के साथ ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हम CAG कैग के नाम से जानते हैं, उनको भी, या फिर उनके जो हेड होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो है, जनरली इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी दो कॉमन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि तीन लोग हैं वहाँ पे। तो ये तीनों लोगों को बेसिकली वहाँ पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। देन द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC जो है उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट जो है उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, देन ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो बेसिकली अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से वहाँ पे मांग सकते हैं कि एक्चुअल देश में उस टाइम पे क्या चालू है, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी अगर चाहिए, स्पेशली काइंड ऑफ सिक्योरिटी वाली इन्फॉर्मेशन, बॉर्डर पे अगर कुछ तनाव वगैरह है तो वो टाइम पे प्रेसिडेंट PM को खुद बुला सकते हैं और वो पूछ सकते हैं PM से कि एक्चुअल वहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, देन ही कैन रिक्वायर द प्रेसिडेंट, एक्चुअली इंक्वायर चाहिए। ओके, तो ये इंक्वायर जो है इंक्वायरी प्रेसिडेंट के लिए कर सकते हैं, एंड ही कैन रिक्वायर द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इन टू कंडीशंस ऑफ SC ST एंड OBC। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ही कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBCs जो है इंडिया के, उनके कंडीशन के बारे में जानने के लिए ये बेसिकली वहाँ पे एक कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, देन ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। अभी हमने जो कहा था कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म यानी कि क्या, बेसिकली सेंटर के कुछ रोल है और स्टेट के कुछ रोल है और वो दोनों अलग अलग रोल है और दोनों का स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशनिंग भी हुआ है। ओके, तो ये जो प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, वो बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे स्टेट जो होंगे उनका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा और वहाँ पे अगर कोई इशू होगा, यानी कि स्टेट स्टेट में कोई झगड़ा होगा तो उसको इजीली थ्रू डिस्कशंस और निगोशिएशंस वो सॉल्व कर सकते हैं। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको LGs कहा जाता है, और दूसरे होते कमिश्नर्स। ओके, दूसरे होते कमिश्नर्स। तो बेसिकली ये दो एडमिनिस्ट्रेटर के वर्जन्स है जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ये दोनों जो लोग होते हैं ये डायरेक्टली आते हैं अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये दोनों लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और इनके थ्रू बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो पूरी यूनियन टेरिटरीज का मैनेजमेंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज है जिन जो कल्चरली सोशली इकोनॉमिकली अलग है। ओके, तो बेसिकली उनको अलग शेड्यूल एरिया में डाला गया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे सिर्फ ट्राइब्स रहते हैं इंडिया के,
मेनली नेटिव जिनको कहा जाता है, तो इनके लिए भी अलग एरिया कंसिडर किया गया या फिर इनके लिए भी अलग एरिया वहाँ पर दिया गया। तो बेसिकली इन एरियाज़ को डिसाइड करना या फिर वहाँ पर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में डिसीजन लेना है वो चीज़ें प्रेसिडेंट यहाँ पर करते हैं। सो अभी तक का हमारा प्रेसिडेंट का हो गया। वंस अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अबाउट अवर बैचेस। हमारी रिसेंटली बैच जो चालू है उसका नाम है मिशन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट फॉर 2021। ये कंप्लीट 8 मंथ की बैच है। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स दैन एक्स असिस्टेंट कमांडेंट जय गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। टाइम है इसका 18 जून-31 जुलाई। एट द सेम टाइम हमारी पैरेलली IB के लिए भी बैच चलो है जिसका नाम है मिशन IB ACIO 2021। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दियो गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। और उसी के साथ हमारी एक और बैच आने वाली है जिसका नाम है टारगेट CAPF 2021। यहाँ पे आपको दोनों पेपर, पेपर वन एंड पेपर टू, इन दोनों के जो प्रिपरेशन है वो करने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दियो गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो उस टाइम यानी कि फ़ी पे करते टाइम आप अगर प्रशांत YT10 ये कूपन कोड या फिर रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको वहाँ पे इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और ये जो कूपन कोड है या फिर रेफरल कोड है ये आप टारगेट CAPF बैच के लिए यूज़ कर सकते हो, एट द सेम टाइम IB के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड जो CAPF की AC की बैच चालू है, जो ऑलरेडी चालू है हमारी, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये जो टारगेट CAPF बैच है ये चालू होगी 1 फरवरी से टिल 31 जुलाई। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।